कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपावली महापर्व मनाया जाता है। अब की बार 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। दीपदान का यह महापर्व भगवती लक्ष्मी को समर्पित है। भगवती की प्रसन्नता के लिए हमारे तमाम भाई बहन नाना प्रकार के उपाय करते हैं, किंतु दीपदान करते समय अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो हमारे थोड़े से प्रयास आश्चर्यजनक परिणाम देने वाले होते हैं। जैसे दीप प्रज्वलित करते समय एक बड़े आकार का दीपक रखें, जिसमें जो अन्य दीपक से बड़ा हो, उसमें घी भरकर लंबी चौमुखी बाती रखें इस प्रकार की, और उसके चारों कोने जलाकर पूजन स्थल पर रखें। इससे भगवती लक्ष्मी के चारों ओर से आगमन के मार्ग प्रशस्त होते हैं। सौभाग्य में वृद्धि के लिए लाल रंग के सूती कलावे की बाती बनाकर उसको जला सकते हैं रुई के स्थान पर। सफलता पाने के लिए जिन भाई बहनों को सफलता नहीं मिल रही है नाना बहुत प्रयास करने पर, उन्हें चाहिए कि एक घी का दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखें, एक दीपक सरसों के तेल का अथवा तिल के तेल का दक्षिण दिशा में घर की ओर रखें। इससे नकारात्मकता समाप्त होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एक दीपक से दूसरे दीपक को न जलाएं। ऐसा करने से कर्ज बढ़ता है और घर में कला कलेश बना रहता है। इन बातों का ध्यान रखकर आप दीपदान करें, आपके थोड़े से प्रयास आपको आश्चर्यजनक प्रणाम देने वाले होंगे। जय श्री राम।